अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या फ़र्क है। यानी यह सब इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। यानी द की डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज़ हाउ देयर सीड्स आर डिवेलप्ड। यानी जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म यानी इसमें जो है यानी सीड्स यानी ये डिवेलप होता है। द सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म डिवेलप इनटू द ओवरीज ऑफ फ्लावर्स एंड आर सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव फ्रूट्स। और ये सीड जो है ना ये एंजियोस्पर्म से निकलता है, यानी ये डेवलप होता है ओवरीज में, और ये ओवरीज जो है ना ये फ्लावर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसको यानी ये प्रोडक्ट यानी इसमें हम प्रोटेक्टिव फ्लावर भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव फ्रूट। और अब जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सीड्स आर यूजुअली पर्मिट इन यूनिसेक्सुअल कॉर्न्स। और जिम्नोस्पर्म सीड्स यानी ये ज़्यादातर यानी यूनिसेक्सुअल कॉर्न्स में मौजूद हो, यानी ये कॉर्न्स में कन्वर्ट होते हैं। नाउन है स्ट्रूबुली, इसको हम स्ट्रूबुली कहते हैं। एंड द प्लांट्स लेक फ्रूट्स एंड फ्लावर, और ये प्लांट जो है ये फ्रूट्स और फ्लावर को पैदा करते हैं। यानी आसान सा बात है, यानी एंजियोस्पर्म यानी इसमें यानी फ्रूट्स यानी ये नहीं निकलता, और जिम्नोस्पर्म यानी इसमें यानी जिम्नोस्पर्म में फ्रूट यानी ये नहीं निकलता, और एंजियोस्पर्म में फ्रूट यानी ये निकलता है। यानी इसमें यानी फ्रूट्स मौजूद हो और जिम्नोस्पर्म में फ्रूट मौजूद नहीं हो। और अब यानी एंजियोस्पर्म दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म यानी ये फ्लावरिंग प्लांट्स के, और जिम्नोस्पर्म यानी ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के। सेकंड पे सीड्स आर इंक्लूज इनसाइड एन ओवरी डेट मेच्योर टू पाम ऑफ फ्रूट्स। और सीड जो है यानी ये यानी इसके अंदर ओवरीज मौजूद हो, यानी ये फ्रूट हो। और अब सीड्स आर एक्सपोर्ट्स एंड माइट बी प्रेजेंट इन द पाम ऑफ कॉर्न्स। और ये और इसमें यानी जिम्नोस्पर्म में सीड्स यानी ये कॉर्न्स की शक्ल में मौजूद हो, ये प्रेजेंट हो कॉर्न्स में। द स्टेम इज़ मेड अप ऑफ हार्ड वुड, और इसका जो स्टेम है ये सख्त है। द स्टेम इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट वुड, और इसका जो स्टेम है ये नरम है। द लीव्स इन दीज प्लांट्स आर ब्रॉड एंड प्लेट, और इसका यानी इसके लीव्स जो प्लांट्स हैं ये ब्रॉड हो और प्लेट हो। और इसका लीव्स यानी दीज लीव्स आर इधर नीडल लाइक आर स्केल लाइक, और इसका जो लीव्स है ये नीडल लाइक हो या स्केल लाइक हो। ज़ाइलम पाम विसल इन एंजियोस्पर्म, और इसमें जो ज़ाइलम मौजूद हो ये एंजियोस्पर्म में मौजूद हो, और इसमें ज़ाइलम डज नॉट पाम विसल एंजियोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, और इसमें ज़ाइलम ये नहीं हो जिम्नोस्पर्म में। डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस वेयर बोथ मेल गेमिट्स आर फंक्शनल, और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन यानी ये मेल गेमिट्स भी मौजूद हो, और इसमें ओनली वन टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड ओनली वन मेल गेमिट्स इज फंक्शनल, और इसमें सिर्फ एक मेल गेमिट्स मौजूद हो। फ्रूट इज़ परमिट, और इसमें इससे फ्रूट निकलता है। फ्रूट इज़ नॉट परमिट, यानी इससे फ्रूट नहीं निकलता। दिस आर मोस्टली सीजनल, सम माइट बी पेरिनियल और बायोनियल, यानी पेरिनियल और यानी इसमें नहीं पेरिनियल या बायोनियल मौजूद हो। यानी इसका जो कम्प्लीट लाइफ साइकिल है यानी इसमें जो एक साल के अंदर यानी इसका अपना लाइफ साइकिल कम्प्लीट करते हैं तो इसको हम पेरिनियल कहते हैं, और बायोनियल और इसमें जो लाइफ साइकिल यानी दो साल में कम्प्लीट करते हैं तो इसके हम बायोनियल कहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस प्लांट आर एवर ग्रीन प्लांट्स, और इसका जो ज़्यादातर यानी इसका जो प्लांट्स हैं ये एवर ग्रीन प्लांट्स मौजूद हो। और ये इसका डायग्राम है एंजियोस्पर्म का, यानी इससे ये इसका डायग्राम है, यानी ये फ्रूट है इससे इसमें इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, और ये फ्लावर है यानी एंजियोस्पर्म, यानी इसमें यानी इसके दरमियान यानी इसमें स्टाइल मौजूद हो, और ये कार्पेल्स मौजूद हो, और इसके अंदर यानी ये ओवरी है, और ये ओयूल है, ये रिसेप्टेकल है, और इससे यानी इसके पत्ते इसमें सीपल मौजूद हो, पेडिकल मौजूद हो, और इसके यानी इसके पत्तों के आगे यानी इसमें इंटर्स मौजूद हो, स्टेमर्स मौजूद हो इसके अंदर, और इसके दरमियान में ये पाइलामेंट मौजूद हो और पेटर्स मौजूद हो। और अब लास्ट पे ये जिम्नोस्पर्म का डायग्राम है, और ये एंजियोस्पर्म का डायग्राम है। यानी जिम्नोस्पर्म यानी इसमें यानी माइक्रोपाइल मौजूद हो, एंटेगमेंट यानी इसमें न्यू सीडल्स मौजूद हो, और न्यू सीडल्स के दरमियान यानी इसमें ये छोटे छोटे यानी इसमें यानी मेगास्पोरोपाइट मौजूद हो। और अब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, यानी इसमें ओवरी मौजूद हो, और इसके दरमियान न्यू सीडल्स यानी इसमें ये मेगास्पोरोपाइट और ये मेगास्पोरोपाइट यानी कन्वर्ट होता है प्यूनिकल्स में, और ये प्यूनिकल यानी इसमें ओवरी मौजूद हो, ओवरी वॉल मौजूद हो इसके दरमियान, और इसमें ये एंटीगन मौजूद हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जजाक अल्लाह।